नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। राजधानी में ठंड के साथ ही कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिल्ली में देर रात से जो कोहरा शुरू हुआ वो सुबह तक और घना होता गया। दिल्ली में कई जगहों पर विजिबिलिटी शून्य रही तो कई जगह 2 से 3 मीटर की ही विजिबिलिटी देखी गई। कोहरे की वजह से गाड़ियां रेंगते हुए नजर आईं। दिल्ली से सटे नोएडा और गुरुग्राम का भी यही हाल रहा। कोहरे के साथ ही दिल्ली में ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप फिर बढ़ सकता है। अगले एक हफ्ते तक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वीकेंड पर अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के आसपास रह सकता है। दिल्ली में सफदरजंग स्टेशन पर 16 जनवरी को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 17 और 18 जनवरी को घना कोहरा होने का अनुमान लगाया है। इस दौरान पारा 4 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर भी एक बार फिर से गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 492 दर्ज किया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली में वायु में PM2.5 तथा PM10 प्रदूषकों की मात्रा उच्च स्तर पर है। उधर यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार में भी घना कोहरा होने के साथ हाड़ कपाने वाली ठंड का लोग सामना कर रहे हैं। कोहरे और ठंड की मार झेल रहे लोगों के लिए सर्द हवाएं भी परेशानी खड़ी कर रही हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते ही मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में अभी उत्तर भारत के लोगों को कोहरे और ठंड से राहत मिलने वाली है। बिहार में भी कड़ाके की ठंड का कहर जारी है। मुजफ्फरपुर में पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया है। रिपोर्ट की माने तो यहां पर अभी शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। वहीं इन दिनों उत्तराखंड में मौसम सामान्य है। न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है जबकि अधिकतम तापमान सामान्य बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार से प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा छाने की आशंका है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।